हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे एक और हेल्दी टेस्टी यम्मी रेसिपी, आम का हलवा। आम एक ऐसा फ्रूट है जो सभी को पसंद होता है, शायद ही कोई होगा जिसे आम नहीं पसंद होगा। तो ऐसे सबके फेवरेट आम के साथ हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आम का हलवा, जो बनाने में आसान है, साथ ही ये बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ऐसे टेस्टी हेल्दी आम के हलवे के लिए मैंने यहाँ पे कुछ आम लिए हैं। इनको पहले हम लोग अच्छे से वॉश करके इसमें से हम लोग पल्प निकालेंगे। तो मैंने एक कटोरी आम का पल्प निकाला है, यह है एक कटोरी आम का पल्प और एक कटोरी सूजी है, एक कटोरी दूध है, एक कटोरी पानी, घी और आधी कटोरी शक्कर है। और ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने रखा है एक पैन, उसमें मैंने डाला है सूजी। सूजी डालकर सबसे पहले हम लोग इसको इसी तरीके से सूखा भूनेंगे। इस तरीके से सूखा भूनने से घी थोड़ा सा कम लगता है। तो अभी मैंने पहले थोड़ा सा इसको भून लिया है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। घी की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी में बनाने से हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अभी मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ, अगर कम लगेगा तो हम लोग थोड़ा सा और घी डालेंगे। पर इस तरीके से पहले सूजी भून कर घी डालने से घी कम लगता है। अभी यहाँ पे घी थोड़ा कम लगा, इसलिए मैं 1 टेबलस्पून और घी डाल रही हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने पूरे 3 टेबलस्पून घी का यूज़ किया है। अब इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ, तब तक जब तक कि ये अच्छे से भून नहीं जाता है और इसमें से थोड़ी खुशबू नहीं आती है। अब ये अच्छे से भून गया, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले मैंने किशमिश, चिरौंजी, कटे हुए बादाम और काजू डाले, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और भून रही हूँ ताकि ड्राई फ्रूट भी सूजी के साथ भून जाए। अब सूजी एकदम अच्छे से भून गया है, इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी को हमें अच्छे से गर्म करके डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। अभी मैंने 1 कटोरी पानी डाला है, मैंने दूध भी गर्म होने रख दिया है, तो मैं 1 कटोरी दूध भी डाल रही हूँ। दूध डाल के इसे हमें लगातार अच्छे से मिक्स करना है। इसे कंटिन्यूसली नहीं मिक्स करेंगे तो इसमें गुठली बन जाएगी, और अगर आपकी सूजी अच्छे से नहीं भी भुनी होगी तब भी इसमें गुठली बनेगी, इसलिए सूजी को भी अच्छे से भुनना ज़रूरी है। अब ये अच्छे से पक गया है, दूध और इसमें जो हमने पानी डाला है वो पूरी तरीके से सूख गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ शक्कर। यहाँ पे मैं आधी कटोरी शक्कर का यूज़ कर रही हूँ। शक्कर डिपेंड करता है आम के ऊपर, अगर आम ज़्यादा मीठा है तो शक्कर कम लगेगा, और अगर आम थोड़े से खट्टे हैं तो शक्कर ज़्यादा लगेगा। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, तब तक जब तक कि शुगर अच्छे से मेल्ट नहीं होता है, और इसे ढक के 2-3 मिनट तक हम पका लेंगे ताकि शुगर और सूजी अच्छे से पक जाए। अभी मैंने धीमी आंच पर इसे 4 मिनट तक पकाया है। 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं सूजी एकदम फुल्की दुगनी हो गई है, शक्कर भी पूरी तरीके से पिघल गया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आम का पल्प, जिसको हमने निकाल लिया था। आम का पल्प डालकर अब इसको हम लोग एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इसमें 2-3 धागे केसर के भी डाल सकते हैं, अगर आपको और अच्छा कलर चाहिए हो तो। अब मैं इसको लगातार अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हलवा कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मतलब पैन को छोड़ रहा है। इस तरीके से बनना चाहिए। अगर हमारा सूजी अच्छे से भुन गया और घी सही है तो पैन में ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अभी मिक्स करके इसे ढककर मैं और 3-4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाऊंगी। अब 4 मिनट बाद मैंने ढक्कन निकाल दिया है। इसमें मैंने इलायची का यूज़ नहीं किया है क्योंकि आम का जो नेचुरल फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आपको पसंद है इलायची का फ्लेवर तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे ढककर गैस का फ्लेम ऑफ करना है। ये हलवा बनने के बाद फ्रिज के बाहर 2 दिन तक ख़राब नहीं होता है, और फ्रिज में रखने से 1 वीक तक भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जब हमें खाना हो तब इसे निकाल कर सर्व करो, और इसे गर्म ठंडा जैसे भी सर्व करेंगे दोनों तरीके से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने इसको इस तरीके से बॉक्स में डालकर बर्फी के शेप में कट किया है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला है बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स और रोज पेटल्स। आप इसे जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी मैंगो हलवा ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।